सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डीके में। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड, जो एक आप लोग देखोगे ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है। तो पीसी ज्वेलर्स के अंदर आपने देखा होगा अभी आज के दिन कितनी शानदार तेजी बनी है। लगभग 6% के आसपास जो शेयर है वो हमें हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है। 28.60 रुपये के भाव पर क्लोजिंग लिया है। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, उसी के चलते स्टॉक में तेजी बनी। आपको पहले बता दे, टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, न तो कोई ऐसी न्यूज़ आई है, न कोई और अपडेट आते नज़र आई है, ठीक है, या फिर न कुछ कंपनी ने ऐसा अनाउंस किया है जिसके चलते स्टॉक में तेजी बनी हो। तो टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है। इन सब के साथ साथ आप लोग देखोगे भी कहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, नीचे में सपोर्ट वगैरह क्या रहेंगे, चार्ट्स के ऊपर क्या कुछ इसके हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो वॉल्यूम आई है 3.4 मिलियन, यानी कि 34 लाख के आसपास वॉल्यूम, और शेयर 28.60 के भाव पर हमें हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है 5.93% की तेजी के साथ। तो चलिए भी जानते हैं, आपने देखा होगा अब कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, ठीक है, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आएंगे, और क्वार्टर वन रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो स्टॉक में एक अच्छी रैली बन सकती है। बट लॉन्ग टर्म विजन से अगर आप लोग स्टॉक को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो इसके कुछ एक लफड़े चल रहे हैं, ठीक है, वो जब तक सुलझ नहीं जाते। एक तो आप लोग देखो डेट को लेकर लेंडर्स के साथ थोड़ी ताना बिगड़ी हुई है इनकी, ठीक है, उसके ऊपर कोई अपडेट निकल कर नहीं आ जाता, तब तक वो मामला शांत नहीं हो जाता ना, तब तक लॉन्ग टर्म के बारे में तो नहीं सोचने वाले, क्योंकि पीछे भी आपने देखा होगा कितना बड़ा झटका स्टॉक ने दिया था। यहाँ पर फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो पीई रेशियो आप लोग देखोगे नेगेटिव है, और वहीं अगर बात करें इसके प्रीवियस रिजल्ट्स की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 75% इसका जो प्रॉफिट है वो टूटा। रिवेन्यू की बात करें तो 8% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका रिवेन्यू टूटा। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव दिखाई दे रही है, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना अभी इस शेयर के अंदर सही नहीं है। बट ब्रेकआउट हुआ है तो क्या हो सकता है स्टॉक अंदर, कितना स्टॉप लॉस वगैरह लेके चलें, चलिए वो देख लेते हैं। उन सब के साथ साथ यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक जो ना, भी एक बार आपने देखा होगा भी फेव के अंदर, जनवरी और फरवरी के अंदर ये शेयर आपको लगभग 75 के आसपास देखने को मिल रहा था, 75 से ऊपर में। तो वहाँ से आप लोग देखोगे कितना बड़ा फॉल स्टॉक में हुआ, ये एक बिग फॉल बना इसके लैंडर्स की वजह से, ठीक है, वहाँ से आप लोग देखोगे बिग फॉल बना, बिग फॉल के बाद थोड़ी बहुत तेजी, फिर स्टॉक जो ना अब काफ़ी टाइम से इसी प्राइस के आसपास 25-20 के बीच में जो शेयर है वो हमें देखने को मिल रहा था। यहाँ से अब आप लोग देखोगे ब्रेकआउट हुआ फाइनली, ये ब्रेकआउट आपको क्या कुछ ऊपर में दे सकता है रिटर्न्स, तो चलिए जान लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हमने निकाला इसका 1 आवर का चार्ट फ्रेम, तो इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक ने एक ट्रेंड को ब्रेक किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक ट्रेंड को ब्रेक किया है, काफ़ी टाइम के बाद ये देखने को मिला है। तो यहाँ से ये ट्रेंड ब्रेक होते ही आप लोग देखोगे स्टॉक में एक शानदार रिकवरी बनी है, ठीक है, अच्छी तेज़ी बनी है, गैप अप के साथ ओपनिंग ली, उसके बाद शेयर में एक अच्छी तेज़ी, तेज़ी के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक फिर से टूट रहा है, यानी प्रॉफिट बुक हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी निवेशक इसके अंदर इंट्राडे वगैरह करना चाहे, ठीक है, जो भी इंट्राडे के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा आज की जो कैंडल है इसका लो पकड़ लीजिए 27.5 का, ये आप लोग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। या फिर जो ना अभी स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं 4-5 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए रखना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग बोलोगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो उन्हें 25.90 का स्टॉप लॉस लेना है, और ऊपर में जो यहाँ से इसका टारगेट हमारा रहेगा 30.50 का, ऊपर में ये शेयर आपको टारगेट यहाँ से दिखा सकता है। अगर 30.50 रुपये का लेवल टूटता है ऊपर में, फिर ये जो शेयर आपको तकरीबन 34-35 तक भी जाते हुए नजर आ सकता है, वो होगा क्वार्टर वन के बाद, क्वार्टर वन रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तब की बात है। तो यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, बहुत अच्छी बात है, इस ब्रेकआउट के चलते स्टॉक आपको जो ना देखो ऊपर में जरूर देखने को मिल रहा है, 28-30.50 रुपये के लेवल यहाँ से दिखा सकता है, और इंट्राडे वालों के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 27 रुपये का रहेगा, ठीक है, और जो स्विंग ट्रेड है उनके लिए 25.80 का। तो ये इसके लेवल्स बने हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूल, and thank you for watching the video।